मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कमलनाथ ने बाल विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम कहकर उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बेड़ा घर कर दिया। राज्य में कांग्रेस का ऐसे ही बुरा हाल है और इसी बीच कमलनाथ का विवादित बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। कमलनाथ अपने बयान पर माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी कमलनाथ के बयान को मुद्दा बनाकर प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। वहीं कभी कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इमरती देवी के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रहे हैं। ग्वालियर में चुनावी रैलियों में उनका गुस्सा भी साफ तौर पर दिखने लगा है। ऐसा ही नजारा एक सभा में नजर आया जब उन्होंने मंच पर मंत्री इमरती देवी के अपमान को बदला लेने और इस टिप्पणी को पूरे ग्वालियर के लोगों के घर की बहन बेटी से जोड़ते हुए 3 नवंबर को होने वाले मतदान में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने इमरती देवी को गले लगाकर कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी जब मंच पर रो पड़ी तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें गले लगाया। सिंधिया ने कहा कि मेरा जन्म इसी माटी में हुआ, कमलनाथ कहां से आ गए। उन्होंने कहा एक परदेसी बाबू आपकी मेरी धरती पर आए और हमारी बहन बेटी इमरती देवी को बेइज्जत करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहर से आकर यहाँ की माटी का अपमान करने वालों का हमें 3 तारीख को हिसाब करना ही पड़ेगा। हालांकि अब उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इमरती देवी को आइटम कहना कांग्रेस और कमलनाथ को कितना भारी पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।